विद्यार्थी मित्रों, आज हम दसवीं की साथी मित्र महिला आश्रम यह पत्र लेखन देखने वाले हैं। प्रस्तुत पत्र काका कालेलकर जी ने अपनी मुंह बोली बहन सरोज को महिला आश्रम के बारे में जानकारी दी। तो आश्रम किस प्रकार के हैं? आश्रम के तीन प्रकार होते हैं। एक बालक आश्रम होता है, दूसरा अनाथ आश्रम होता है और तीसरा वृद्ध आश्रम होता है। यह आश्रम की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें प्राचीन काल में वानप्रस्थ आश्रम हुआ करता था। वानप्रस्थ आश्रम में जो भी व्यक्ति वानप्रस्थ होगा वह वन में जाकर जंगल में जाकर रहता था। अब महिला आश्रम की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं काका कालेलकर जी अपनी बहन सरोज को देते हैं। आश्रम में हमेशा सदाचार होना चाहिए, सादगी भरा वातावरण होना चाहिए, किसी प्रकार का कलह, किसी प्रकार की कुड़म आश्रम में नहीं चलेगी। कुल मिलाकर मानवतापूर्ण वातावरण आश्रम में हमेशा रहेगा। संस्था का भार खुद महिलाएं उठाएगी और इसीलिए सभी औरतों को रहने के लिए छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और आश्रम में रहने वाली एक एक महिला तीन चार व्यक्तियों का परिवार चला सकेगी। यह आश्रम के बारे में जानकारी दरअसल वो अपनी बहन को देते हैं। साथ ही साथ आश्रम के परिसर में जो बगीचा है उसकी भी जानकारी दरअसल वे देते हैं। बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं, गुलदाउदी वृक्ष, क्रिंजेंटिमम फूल बाहर पर है। उसकी पंखुड़ियों की विशेषता यह होती है कि इसकी पंखुड़ियां एक एक करके खुलती है और खिलती है तो एक महीने तक टिकती है। कॉस्मोस, क्रोटन, जिनिया इसी प्रकार के पौधे बगीचे में लगाए हैं। जिनिया का जो पौधा है रास्ते पर खिला है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिनिया के जो फूल आते हैं आने जाने वाले लोग उसे तोड़ते थे, इसलिए मैंने उसे सिरहाने लगा दिया ताकि वह ज्यादा दिनों तक रह सके। लेकिन बाद में वह एक महीने तक फूल देकर वह मुरझा गया। आखिर में काका कालेलकर जी चौथा पत्र अपनी मुंह बोली बहन सरोज को लिखते हैं। यह पत्र लिखते समय सरोज की तबीयत बिगड़ गई है। अब सरोज की तबीयत बिगड़ जाने के कारण वे उसे कहते हैं, क्या तुम्हें उर्दू नहीं सीखनी? क्योंकि पहले उन्होंने उनको कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आपको उर्दू सीखनी होगी, ताकि एकता का माध्यम होता है भाषा। हिंदू और मुस्लिमों को अगर हम एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता होती है भाषा की। तो उर्दू सीखने के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता पनपेगी, इसी प्रकार की जानकारी वे देते हैं। लेकिन अब वे कहते हैं कि अब तुम्हें उर्दू सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें अपनी तबीयत पर ध्यान देना होगा। और आखिरकार यह चौथा पत्र वे खत्म करते हैं और अपनी बहन सरोज को कहते हैं कि तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि आश्रम के बारे में। धन्यवाद।